मैं ये कहना चाहता हूँ, हल्के जहाँ जहाँ कारीगर काम करते हैं, कारीगर बहुत परेशान होता है। चाहे माल भले ही कहीं पर फटे, कहीं पर गंदा हो, चाहे वो कांच पे फटे, चाहे वो प्रेस पे फटे, चाहे वो बासिंग पे फटे, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी पे फटे, मगर नाम किसका आता है? कारीगर का। सभी ठेकेदार से शिकायत करता है कारीगर, पर ठेकेदार क्या करता है, उठाया कलम चला दिया कि फलाना कारीगर ने फलाना पीस गंदा कर दिया है, उसके नाम में पीट डाल दिया जाता है। पर मेरे भाइयों, माल की इतनी हिफाजत करी जाती है। अब ये सफ़ेद माल है, हो सकता है ये कांच पे फट गया हो सकता है ये बासिंग पे फट गया हो, मगर नहीं मेरे भाइयों, नाम उसके ऊपर आएगा तो सिर्फ कारीगर का आएगा। ऐसा क्यों है? अरे मेरे 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 मुश्ताक भाई, मैं मुश्ताक के यहाँ काम करता हूँ, जयपुर दर्जियों के रास्ते पर फैक्ट्री है, कभी भी आप आना तो वहाँ पर देख लेना। मैंने एक दिन अपने सेठ से बोला, अरे सेठ जी, ये आप पीस लेके आए हो, ये मेरा पीस नहीं है। मेरा सेठ बोला, नहीं ये ओवैस तेरा पीस है। मैंने कहा, सेठ जी मैं जब माल बनाया करूं, आप मशीन से माल चेक करके ले जाया करूं, अगर उसकी गंदा हो रहा है जब भी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा, अगर वो माल फट रहा है जब भी जिम्मेदारी मैं लूंगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि माल एक हफ्ते पहले मेरे पास से चला गया, आप कांच से फाड़ के लिया मेरे पास, कि ओवैस ये पीस तेरे नाम में डालूंगा। पर मेरे भाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाजिर मुझसे मेरा सेठ बोला, तू इतना बोलता है, एक बात बता, तू सिलाई का काम कब से करता है? तेरे को पता नहीं है कि कारी कोई भी कहीं पर भी माल बिगड़े कारीगर की जिम्मेदारी होती है? मैंने कह दिया अरे मुश्ताक भाई, अगर कारीगर की जिम्मेदारी यहाँ तक की है तो कारीगर की जिम्मेदारी ये भी हो सकती है कि जब तक बच्चा पीस पहन के फा ना ले, जब भी ये भी जिम्मेदारी कारीगर की होना चाहिए। अब ये देखिए मेरे भाइयों, ये सफ़ेद माल बना रहा हूँ मैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी अब खत्म हो गई बिल्कुल। ये देखो, बिल्कुल मैंने VIP करके माल बनाया है, अब मैं इसकी बना रहा हूं। अब ये मेरे पास से माल फ्रेश जा रहा है, अब मुझको पता नहीं है कि ये माल प्रेस पे गंदा होगा या कांच पे गंदा होगा या एम्ब्रॉयडरी पे गंदा होगा, पर नहीं, इसका उसकी जिम्मेदारी मुझको लेना पड़ेगी। हालात तक कि मैंने एक दिन ये भी कह दिया था कि जब तक ये पीस फट नहीं जाए, जब तक कस्टमर से इस पे मेरी चिट लगा के कह देना, कस्टमर से कह देना कि ये पीस फट जाए तो फिर दोबारा ओवैस करने लाना। ऐसा नहीं है मुश्ताक भाई, आपसे मैं 50 बार बोल चुका हूँ, आपने वही रेट आज तक रखा है। हम 700 किलोमीटर दूर आके यहाँ पड़े हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम जिला पीलीभीत से आए हैं। आपको पता है, अगर हम इस माल को जरा थोड़ा स्पीड से नहीं बनाएंगे तो हमारे इसमें खाने खर्चे का पैसा नहीं निकलेगा। अरे मुश्ताक भाई, इतना तो आपको भी होना चाहिए कि रोटी अब से 3 साल पहले 4 रुपए की थी, जयपुर का आज वो हाल है जो रोटी 5 रुपए की हो गई है, 7 रुपए की हो गई है, और आपको पता नहीं है महंगाई बढ़ती जा रही है और आप उसकी जिम्मेदारी पूरी कारीगर के ऊपर क्यों डाल रहे हो? मेरे भाइयों, मैं सभी कारीगर से यह अनुरोध लेता हूँ कि सभी कारीगर अगर हड़ताल नहीं कर सकते तो अपने अपने ठेकेदार ये बात कह सकते हो कि माल मशीन पे चेक करके दो और मशीन पे माल चेक करके लो, तभी जाके ये ठेकेदार कहीं के सुधरेंगे। वरना मेरे भाइयों, ऐसे ही काटो, ऐसे ही भरते रहो, काटो काटो, ऐसे ही कटवाओ पैसे, ऐसे ही कटवाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरे भाइयों, ये समझने वाली बात है, एक कारीगर मजदूर है, वो सिर्फ मजदूरी करने आता है, अपने माँ बाप को छोड़ के आता है घर से। अगर उसको महीने में 15-16 हज़ार रुपये नहीं बचेंगे तो वो परदेश में क्या काम करेगा? अरे 250 रुपये तो वो घर में भी कमा सकता है। मगर नहीं मेरे भाइयों, इन ठेकेदारों से अनुरोध है, सभी ठेकेदार भाई और कारीगर भाई मेरी बात सुनते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और इसको आगे से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हर कारीगर तक मेरी वीडियो पहुँचे। और भी किसी भी कारीगर का पैसा नहीं कटना चाहिए, कारीगर की सिर्फ जिम्मेदारी मशीन की होती है, वो मशीन से माल चेक करके ले, अपना हेल्पर भेजे, माल चेक करके ले जाए, माल चेक करके यहाँ पे माल दे जाए, बस बात खत्म। अब आप सोचो कि जब तक कस्टमर पीस पहन के फाड़ ना ले, जब तक की जिम्मेदारी है, तो मुश्ताक भाई साहब, आपसे हाथ इतने जोड़ते हैं, मैं आपसे हाथ इतने जोड़ रहा हूँ, मेरा हिसाब कर दीजिएगा, मुझे घर भेज दीजिएगा, मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना है कि जहाँ पर आए दिन अल्टर, आए दिन अल्टर।